नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आज हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स से हमारी पूरी धरती बनी है, ठीक है ना जी। हम जो ऑक्सीजन देते हैं वो भी क्या है, एक टाइप का एलिमेंट है, ठीक है ना जी। वाटर है वो भी क्या है, टाइप का एक एलिमेंट ही है, ठीक है ना जी। बहुत सारे हीलियम हो गए, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, एक एलिमेंट ही है, ठीक है ना जी। ये एलिमेंट किससे बना होता है, एलिमेंट किससे होता है? तो एलिमेंट जो है वो एटम से बना होता है। एटम जो होता है वो क्या होता है, एटम जो दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है ना जी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का या वर्ल्ड बोल सकते हैं आप। दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट के अंदर क्या होता है, एटम होता है। एटम मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ठीक है ना जी। तो इस एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, क्या होती हैं? तो देखिए इस एटम के अंदर भी होती है, फिर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना जी। अब देखिए ये एलिमेंट जो है हमारी धरती में कितने हैं, तो हमारी धरती में ये 118 एलिमेंट है, ठीक है ना जी। 18118 है, ठीक है जी, 118 एलिमेंट है। तो इसमें कौन कौन से हैं, उसमें कुछ चीजें मेटल हो सकती है, कुछ चीजें नॉन मेटल हो सकती है, कुछ नॉन मेटलाइट्स होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैसियस होती है, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, इतनी चीजें होती हैं। अभी ये जो है, ये चीजें जो है, एलिमेंट जो है, कुछ नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जब हम मैन मेड होते हैं, हम ह्यूमन ने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। नेचुरल कितने हैं, नेचुरल जो है 92 होते हैं और 26 जो है वो मैन मेड होते हैं, और इधर उधर हो सकता है एक दो चीजें, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको, इधर उधर हो सकता है ये आंकड़ा, ठीक है ना जी। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया। एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट किससे बने होते हैं, एटम से बने होते हैं। एटम मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, समझ में आया बच्चा। अब क्या है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 118 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलाइट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, ये सब कुछ होते हैं। अब ये जो है नेचुरल होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, आर्टिफिशियल मतलब होते हैं मैन मेड, ठीक है ना जी। अब ये जो एटम होते हैं, वो एटम के अंदर कुछ पार्टिकल होता है। एटम जो होता है इसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में आया। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। हर ऑब्जेक्ट जो होता है वह किससे बना होता है, हर ऑब्जेक्ट जो है वह मतलब एटम, हर मतलब एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है ना जी। मान लो ये जो है ये मार्कर है, ठीक है ना जी। मैं इसको ऐसे फोड़ू और इसके टुकड़े ऐसे होने के बाद इसके से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे, वो पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम हो गए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गए, वो क्या हो गए, एटम हो गए, ठीक है ना जी। अगर आपने चौक लिया होगा, ठीक है ना जी, चौक लिया होगा और चौक को आपने तोड़ा होगा या फिर आपने ऐसे 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 किया, तो चौक के वो ऐसे ऐसे करने के बाद उसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, वह क्या होता है, वह एटम होता है, ठीक है ना जी। सो उसमें क्या क्या होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना जी। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वह जीएफ बीएफ होता है, ठीक है ना जी, समझ में आया। ये जो जीएफ बीएफ होता है मतलब ये हमेशा साथ में रहते हैं, और यह अकेला सिंगल होता है। जैसे आप हो सर, ऐसे मत बोलो सर, ऐसे हमारे दुख पे मिट मत चलो यार। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे होते हैं, वह सिंगल होता है, ठीक है ना जी। तो देखिए हम ये जो पार्टिकल होते हैं, इवन हमारे बॉडी के अंदर भी ये जो है एटम होते हैं, ठीक है ना जी। कौन कौन से होते हैं, हमारी पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गए, जिंक हो गए, इनके अंदर भी क्या होता है, इनके जो है एटम के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना जी। और ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, इनके बेसिस पे जो है दो टाइप्स पड़ते हैं एलिमेंट्स के। कौन कौन से, एक होता है एटॉमिक मास के बेसिस पे और एक होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, ठीक है ना जी। तो मैं इसका रफ करता हूँ और फिर लिख देता हूँ। क्लासिफिकेशन जो होता है एलिमेंट का दो टाइप का होता है, एक एटॉमिक मास के बेसिस पे होता है और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होता है। अब एटॉमिक मास के बेसिस पे कैसे होता है, मान लो
प्रोटॉन जो है हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है ना जी। अब यहाँ इसके बाद प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है जी, और न्यूट्रॉन को जो है यन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो प्रोटॉन जो है हमारे पास मान लो 5 है, ठीक है ना जी, 5 है, और ये जो है मान लो हमारे पास मान लो 6 है, ठीक है ना जी। अब इनका एडिशन करने के बाद कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है जी। मतलब इसका एटॉमिक मास जो होगा वो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है जी। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसका 10 है और मान लो इसका 10 है तो कितना होगा, 20 होगा। मतलब इसका एटॉमिक मास कितना होगा, 20 होगा। इस तरीके से निकालना सिंपल ट्रिक है, ठीक है ना जी, एक सिंपल ट्रिक है। इतनी सिंपल वे से आपको कोई नहीं बताएगा, समझ में आया आप तो, सिंपल वे में बताया, तो यहां तक क्लियर है। तो चलिए फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, अब जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे कैसे देखते हैं, ठीक है ना जी। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देखा जाए तो देखिए क्या होता है, मैंने अभी बताया ना, ये जो है ये किसके साथ जाता है, ये एटॉमिक मास के बेसिस पे जाता है। एटॉमिक मास मतलब जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है ना जी। अब ये जो है सिंगल बचा हुआ है, ठीक है ना जी, सिंगल का शाखा भगवान, तो ये जो है एटॉमिक नंबर के साथ जाता है, कौन बोलो, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। अब देखिए ये कैसे होता है हीलियम में, वो हम देखते हैं। देखिए मान रहे हैं एक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना जी, अंदर जो है वही जो होता है यह इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना जी। सॉरी ये जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मान लो पीएन है, ठीक है ना जी, पप्पू, ठीक है ना जी, पप्पू और दूसरा आपकी मर्जी। तो ये जो है ऐसे ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट जो होता है बच्चों एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा वो जो है एलिमेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है ना जी। ये जो होता है ई, ये इसको देखिए, इसको जो है पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको एन से और इसको ई इलेक्ट्रॉन ए से माइनस करके, ठीक है ना जी। माइनस क्यों होता है वो मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी, अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होते हैं, इसके ऐसे अराउंड घूमते हैं, ठीक है जी, ऐसे घूमते हैं इधर इधर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना जी। अब समझ में आया यहाँ तक, ऐसे इसके अराउंड घूमते हैं। मान लो ये जो है ये प्रोटॉन, मान लो यहाँ पे ये जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है मान लो ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके ऐसे ऐसे इस तरीके से घूमेगा, ठीक है ना जी, ऐसे घूमेगा इसके अराउंड घूमेगा, समझ में आया, इसके टाइप ये अब घूमेगा, समझ में आया। अब देखिए यह जो होता है इसका एक फार्मूला होता है, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका ये जो है उतने इसके एटॉमिक नंबर होते हैं। मान लो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात, कहेंगे यहाँ पे एक आठ, तो यहाँ पे मान लो आठ है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, समझ में आया। एटॉमिक नंबर 8 हो गया, मतलब क्या समझने का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 9 है, समझ में आया यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर है कि एटॉमिक नंबर जो होता है वह ऐसे तरीके से निकाला जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे निकाला जाता है एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना जी। मान लो यहाँ पे 11 होते तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वह 11 होगा, ठीक है ना जी, समझ में आया। जितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उतने एटॉमिक नंबर हो गए, अरे यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर, यहां तक डाउट नहीं। देखिए जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने एटॉमिक नंबर हो गए, मान लो यहाँ पे 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 हो गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितने हो गए, अरे बोलो 10 ही हो गए, यहाँ तक क्लियर है पक्का, अरे हाँ या ना बोलो, हाँ सर यहाँ तक क्लियर है।
अब आगे बढ़ा जाए। हाँ सर आगे बढ़ा जाए। और ये जो चीज है ना आपको, ये हम इसको मतलब ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है जी, इसे न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है ना जी। इससे ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री लगता है। कुछ चीज़ लोग बोलते हैं ना हमको फिजिक्स नहीं समझ में आता, केमिस्ट्री नहीं समझ में आता, अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स का उदय शुरू होता है, यहाँ से फिजिक्स और केमिस्ट्री शुरू होती है। तो यहाँ से आप जब ध्यान अच्छे तरीके से पढ़ोगे तभी आपको आगे का समझ में आएगा, ठीक है ना जी। तो अभी तक यहाँ तक क्लियर है आपको? तो देखिए ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है ना जी, यहाँ पे मान लो प्रोटॉन है और यहाँ पे न्यूट्रॉन है, ठीक है जी, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होगा, ऐसे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव होगा, ठीक है ना जी। और इसमें दो ही अपसेट्स होते हैं, दो ही क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा होता है एटॉमिक मास का, ठीक है ना जी, समझ में आया यहाँ तक। एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है एटॉमिक मास, समझ में आया, ठीक है जी। एक होता है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे और एक होता है एटॉमिक मास पे, समझ में आया। एटॉमिक नंबर पे बेसिस पे क्या होता है, एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या होता है, अब मैंने बताया, ठीक है ना जी, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। एटॉमिक मास के बेसिस पे जो होता है वह मान लो प्रोटॉन जो है वह और न्यूट्रॉन जो है, मान लो प्रोटॉन जो है आपके 5 है और न्यूट्रॉन जो है आपके 6 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 आएगा। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा बताओ, इसका एटॉमिक मास होगा 11। मान लो यहाँ पे 20 है और मान लो यहाँ पे 10 है, तो कितना आएगा यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, इसका एटॉमिक मास यह होगा। मान लो यहाँ पे और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए, और क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले, मान लो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे कितना हो गया इसका बताओ, 31 हो गया। तो ये जो है इसका एटॉमिक मास हो गया, ठीक है ना जी, समझ में आया। और एटॉमिक नंबर मतलब क्या, जितना इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना उसका नंबर होगा, ठीक है जी। जितना एटॉमिक एटॉमिक नंबर जो है ना, ठीक है जी, एटॉमिक नंबर होगा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है 2 है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो, 2 होगा, ठीक है ना जी। मान लो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे 5 लिख दिया, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 5 होगा, इस तरीके से होगा यहाँ पे, समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए मैं कुछ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है मान लो हीलियम, हीलियम अगर आपको हीलियम लिखना है, ठीक है ना जी, अगर आपको सर किसी ने पूछा हीलियम सॉरी किसी ने पूछा आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक नंबर जो होता है 1 होता है, ठीक है ना जी। फिर हीलियम का जो होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक है ना जी। फिर ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है ना जी। इसके प्रॉपर में अगर आपको चाहिए तो बताओ, मैं इसके जो है प्रॉपर एक हम इसकी एक सीक्वेंस वाइज एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना जी, वो आप बताइए, ठीक है ना जी, तो हम जरूर बनाएंगे इस पे वीडियो। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना जी। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है मूव होगा, और दो ही इसको जो है ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गए, और दूसरा होगा एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना जी। अब देखते हैं हम डोबेनर ट्राइड्स क्या होता है, ठीक है ना जी। डोबेनर ट्राइड्स देखिए, ये जो डोबेनर ट्राइड्स है ना, आगे जाके फेल मार रहे हैं, तो ये भी देखते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं डोबेनर ट्राइड्स। तो देखिए बच्चों ट्राइड्स, ठीक है ना जी, ट्राइड मतलब होता है 3, ठीक है ना जी, ट्राइड मतलब होता है 3। अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन करना है हमको, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके डोबेनर के अकॉर्डिंग हमको जो है मेटल अलग करना पड़ेगा, नॉन मेटल अलग करना पड़ेगा, मेटलाइड अलग करना पड़ेगा, ठीक है ना जी। तो इसका क्लासिफाई कैसे करेंगे हम, इसका इस एलिमेंट का क्लासिफाई, हम इसका क्लासिफाई जो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे हम इसका क्लासिफाई करेंगे।
नॉट नंबर, ठीक है जी। नंबर के बेसिस पे नहीं हम करेंगे, हम एटॉमिक मास के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना जी। एटॉमिक मास के साथ हम एटॉमिक नंबर के साथ हम नहीं क्लासिफाई करेंगे, हम एटॉमिक मास के साथ क्लासिफाई करेंगे, ठीक है ना जी। तो कैसे क्लासिफाई करोगे, तो देखिए मान लो कि मान लो एक ऐसे मैंने डब्बा ले लिया, और डब्बे के अंदर मान लो मैंने तीन एलिमेंट लिया, ए बी सी, ठीक है ना जी। तो ऐसे मैंने तीन ये जो है एलिमेंट्स ले लिए इधर, और इन तीन का मुझे क्या करना है, मीन निकालना है। पहले क्या करो, इनको ऐड करो, ठीक है जी, ऐड करो। ऐड करने के बाद इनको डिवाइड करो, और इस डिवाइड करने के बाद जो आता है उसको मीन बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो पहले इनको क्या करो, ऐड करो। तो मान लो इसका 10 है, ठीक है जी, मान लो इसका 10 है, तो इसका 10 है, इसका एक फार्मूला है, देखो बच्चों, इसका 10 है और इसका 10 है, इसका एक फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या है, तो इसका फार्मूला जो है मीन निकालने का, ठीक है जी, मीन निकालने का एक फार्मूला है। तो ये फार्मूला है आपका ए प्लस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है ना जी, यह आपका फार्मूला है। तो मुझे बताओ इस ए की जगह हम टेन लिख सकते हैं, हाँ जी सर, इस टेन लिख सकते, इस ई की जगह हम टेन लिख सकते हैं, हाँ। तो ये क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना जी। 10 प्लस 10 कितना होगा, 20 होगा, ये जो 2 है इधर आएगा। तो मुझे बताओ 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा, मतलब इसका क्या होगा, 10 आएगा, ठीक है ना जी। पहले क्या करना है, इधर देखिए, सबसे पहले ऐड करो, ठीक है ना जी, इनको ऐड करो, यहाँ पे हमने ऐड किया, फिर इसको डिवाइड करो, डिवाइड किया, और फिर इसका जो यहाँ आंसर जो आता है इसका मीन होता है, ठीक है ना जी, मीन होता है, ठीक है ना जी। तो यहां तक आए आपको क्लियर होगा। तो देखिए जैसे कि अगर इन एलिमेंट को, अगर हमको इनको एक ग्रुप में रखना है, ठीक है ना जी, अगर हमको इनको एक ग्रुप में रखना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका एटॉमिक मास, और लास्ट में इनकी जो वैलेंसी होगी, जो एटॉमिक मास होगा, और एवरेज निकालने पड़ेंगे, और फिर उनके बीच का जो वैलेंसी होगी वह निकालनी पड़ेगी। और अगर एटॉमिक मास, अगर इनके बीच का एटॉमिक मास इक्वल आया, ठीक है ना जी, अगर हमने इसको ऐड करके, डिवाइड करके, मीन निकाल के, अगर ये जो है इक्वल आया, तभी हम इस डब्बे में रख सकते हैं, अदरवाइज ब्रेकअप। समझ में आया, ये ऐसी बात है, या आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना जी। देखिए मान लो मैं यहाँ पे एक डब्बा कर दिया, फिर इसे डब्बा के डब्बा डब्बा देखिए डब्बा डब्बा अब्बा अब्बा डब्बा डब्बा अब्बा डब्बा डब्बा ये समझो हमने यहाँ पे एन ए और यहाँ पे के, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 9.6.9, और इसकी दी गई है कुछ हमें इतनी दी गई है। पहले क्या करना है हमको, इनको ऐड करना है, देखे सिंपल वे से बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा। पहले इनको ऐड करो, ठीक है जी, पहले इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद इनको डिवाइड करो, डिवाइड करो, ठीक है ना जी। डिवाइड करने के बाद इतना किधर आएगा, 46, तो इधर आएगा। डिवाइड करने के बाद, ठीक है जी, ऐड करो, ऐड करने के बाद इधर हमको क्या करना है, अब इधर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा यहाँ पे, 23 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 23। समझ में आया, ये जो है यह है आर्ट्राइड्स, ठीक है ना जी। तो ये है इसके रूल, ठीक है ना जी, डोबनाट्राइड्स के। देखिए ये जो है 20 या 30 तक ही सक्सेसफुल जो हो जाते हैं। 108 एलिमेंट थोड़े ऐसे भाई, 108 एलिमेंट थोड़े ऐसे बिठते हैं। ये जो है फ्लफ होता है, इसका गुब्बारा जो है ना, इसका गुब्बारा फुस होता है, इसके गुब्बारे से हवा निकल जाती है डोबनाट पे, ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है भाई साहब। बट डींगे हक रहा था,
तो ये जो है फेल हो गया बाद में, ठीक है ना जी, ये जो है फेल हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आया क्या करना है। सबसे पहले इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो आता है उसका मीन आता है। अगर वो जो है एटॉमिक मास अगर इनके इक्वल होगा तभी इनके डब्बे में बैठेगा। तो इसका है डब्बा डब्बा रूल, ठीक है ना जी। मैं इसको ना और एक नाम से जानता था जब मैं टेन में था, तो इसको मैं ना डब्बा रूल ये जानता था, क्योंकि ये जो डब्बे में रखना जैसे, ठीक है ना जी, डब्बा रूल। तो आप भी रख सकते हैं इसको डब्बा रूल नाम, ठीक है ना जी। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है ना जी। तो ये जो है डोबेनाडोट्राइड्स में बताया गया है, ठीक है ना जी। तो इन्होंने क्या बताया है, जो ग्रुप हो गए, ठीक है ना जी, थ्री एलिमेंट्स के ग्रुप तैयार करो, ठीक है ना जी, मेड ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच, ठीक है ना जी। हर ग्रुप तैयार करना है, हर ग्रुप के अंदर तीन एलिमेंट्स रखने हैं, और फिर इन एलिमेंट को जो है इनकी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है ना जी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है सिमिलर होनी चाहिए, और इसी को बोलते हैं ट्राइड्स, ठीक है ना जी। अरे ट्राइड्स मतलब क्या होता है, क्लियर है, ट्राइड्स मतलब क्या होता है, ट्राइड्स मतलब होता है हमको ऐसे एलिमेंट्स रखना है, ठीक है ना जी, एक ग्रुप तैयार करना है, ठीक है ना जी, एक ग्रुप तैयार करना है, ऐसा ग्रुप तैयार करना है, और इस ग्रुप में क्या करना है, हमको तीन एलिमेंट रखना है, लो ये दो और ये तीन एलिमेंट हमने रख दिया, हाँ जी तीन एलिमेंट रख दिया। अब क्या करना, इनकी जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है जी। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइड्स, ठीक है ना जी। समझ में आया ट्राइड्स मतलब क्या होता है, समझ में आया। तो ऐसा है सब कुछ। अब एक एग्जांपल हो गया, मैं और दो तीन एग्जांपल बताने की कोशिश करता हूँ इसे, या फिर आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है ना जी। तो मान लो यहाँ पे और लेते हैं हम, मान लो क्या लिया जाए, मान लो सी ए, फिर हाँ, तो इसका जो वैल्यू है, इसको हमको वैल्यू दी है 41, इसकी दी गई है हमें, ठीक है ना जी, ये इसकी वैल्यू दी गई है। तो हमको पहले इसका ऐड करना होगा, इसको पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कुछ इस यह आंसर आएगा, मतलब इसका जो है यह आंसर आएगा, ठीक है ना जी, समझ में आया यहाँ तक। तो इसका एटॉमिक मास यह आ गया, ठीक है ना जी, अब क्लियर है यहाँ तक। तो ऐसे निकालना है हमको डोबेनाडोट्राइड्स। ट्राइड्स मतलब पता चला आपको क्या है, ट्राइड्स मतलब कि पहले क्या करना है, तीन एक ग्रुप तैयार करना है, उस ग्रुप में तीन एलिमेंट रखने हैं, और ऐसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स रखने हैं, ठीक है ना जी, और उसे क्या बोलते हैं, ट्राइड्स बोलते हैं, ठीक है ना जी। और फिर अरेंज करना है एलिमेंट्स, थ्री थ्री एलिमेंट्स अरेंज करना है, थ्री थ्री एलिमेंट्स जो है उसको अरेंज करना है, ठीक है ना जी। और वो जो ट्राइड है वो उसकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी, ठीक है ना जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी एटॉमिक मास की, ठीक है ना जी, वो जो है फिर उसके जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना जी, और जो मिडल का एलिमेंट होगा उनके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए। ये जो है इनकी जो वैल्यू होगी, ठीक है ना जी, इनकी जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी इसके अप्रोक्सीमेटली आनी चाहिए, ठीक है ना जी, तभी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल आनी चाहिए, ठीक है ना जी। और मीन ऑफ जो एटॉमिक मास होगा, ठीक है ना जी, वो टू, वो जो है अदर टू एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना जी, उनके ऐड करके उसका वैल्यू निकालना है, और जो वैल्यू आएगी अगर वो उसके मतलब यह होगी इक्वल होगी तभी वह रह पाएगा, नहीं तो यह खत्म हो जाएगा, ये फ्लॉप रूल है, ठीक है ना जी। समझ में आया यहाँ तक? तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा,
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।